स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका नेक्स्ट चैप्टर है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड का था. फोर्स जितना एफर्ट हमने फोर्स में किया. अब आप ये चीज देखना, जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सेकंड चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा और आपका एफर्ट कम से कम 50% डाउन हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे फील्ड चलता है जैसे फोर्स चलता है और इस तरीके से आपका बेस बनता जाएगा. ठीक, तो इनिशियल चैप्टर बहुत बेसिक है, इसको बहुत ध्यान से करने हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह काम करेगा. और कैसे? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? अगर आपको ग्रेविटेशन का थोड़ा सा याद हो, ये अर्थ है. अर्थ के आसपास एक ऐसी जगह, ऐसा स्पेस कि जहां पर अगर हम एक और ऑब्जेक्ट को बीच में रखें तो अर्थ इसे अपनी तरफ खींच लेगी. लेकिन अगर हम इस फील्ड से बाहर रखें तो अर्थ इसे अपनी तरफ नहीं खींचेगी. ठीक हो गया. तो इस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. फिर हम ये भी किया करते थे, जितना पास पॉइंट होगा अर्थ के, फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी. जितना दूर जाते जाएंगे, फील्ड को मेजर किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है. तो वो जिसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं या ई वेक्टर बोलते हैं, तो वो स्ट्रेंथ वीक होती जाती है जैसे जैसे आप बाहर दूर की तरफ जाते हो, पास आते आते वो स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती जाती है. बिल्कुल वैसे ही रिप्लेस कर दो मास को चार्ज के साथ. तो चार्ज के आसपास एक ऐसा दायरा जहां पर एक और चार्ज को रखा जाए, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्शन कुछ भी लगाए. लेकिन अगर आप बाहर रख देंगे तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा. जितने पास आएंगे उस कैपिटल क्यू चार्ज के, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, और दूर जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ कम होती जाती है. तो बिल्कुल सेम चीज इसमें चलेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज स्पेस अराउंड द चार्ज, जगह स्पेस इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज. तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई. निकालने का तरीका, जब फील्ड निकलता है, अर्थ का फील्ड निकलता है, तो अर्थ का या अर्थ की फील्ड की इंटेंसिटी निकलती है, तो जिस भी जगह पे निकलती है, जैसे ये अर्थ है, अगर मैं कहूं इसकी वजह से यहां पर ई निकालो, स्ट्रेंथ निकालो, तो स्ट्रेंथ सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, दूसरे मास पे डिपेंड नहीं करती. मैं इस पॉइंट को और समझाता हूं कैसे. जैसे एक चार्ज्ड बॉडी है, ये रिचार्ज्ड बॉडी, कुछ भी हो सकती है. मुझे छोटे आर डिस्टेंस दूर, मुझे इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी स्ट्रांगली दूसरे चार्ज को खींचता है. तो किसी ने कहा सर फोर्स निकाल दो, फोर्स भी तो स्ट्रेंथ ही है. नहीं, मुझे इस पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, इसकी नहीं निकालनी. तो मेरे को क्या करना है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है. तो ई का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक, तो रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का कि आपको जहां पर भी ई का वेक्टर निकालना है या स्ट्रेंथ निकालनी है, वहां पर क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे इन दोनों की, और उसको इस चार्ज से जहां पर मुझे ई निकालना है उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उस पॉइंट पर स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी. अब किसी ने कहा ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, एक काम करते हैं आप मुझे क्वेश्चन दो प्रैक्टिकल. मैंने कहा ठीक, ये ले इतना बड़ा स्फेयर ले, तो एक काम कर इस स्फेयर के यहां पर मुझे ई निकाल के दिखा. तो उसने कहा ठीक है, क्यू नॉट में रख सकता हूं? मैंने कहा हाँ क्यू नॉट रख. तो वो क्या करता है, इस मान लो चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से यहां ई निकालने को कहा था, वो इस जगह पर उससे भी बड़ा स्फीयर रख देता है क्यू डैश चार्ज का, कहता है अब ये लो, इसकी वजह से यहां ई निकालो. अब ये तो गड़बड़ी हो गई. ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे इजी लैंग्वेज में अर्थ की वजह से मैंने किसी को कहा ये अर्थ है, और तू मुझे अर्थ का ई निकाल के दिखा, कहां पर, इस पॉइंट पर.
उसने कहा ठीक है, किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, इस पॉइंट पर जहां ई निकालना है, इमेजिन करो वहां पर बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे मून को लाके रख दिया, मून, इमेजिन इमेजिन, बहुत बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी कि जो अर्थ के फील्ड को अफेक्ट करना शुरू करती है, इतनी बड़ी बॉडी तो लाके रखेंगे ना। अब मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं तो तेरे को अर्थ का फील्ड बताने की कोशिश कर रहा हूं और तू एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले आया है जो अर्थ के मुकाबले फील्ड लगाती है और अर्थ के फील्ड को ही कैंसिल करना शुरू कर देती है। तो मैं स्टडी क्या करूंगा अर्थ का फील्ड? तो अर्थ का फील्ड तो पूरी तरह एब्सोल्युटली स्टडी हो ही नहीं पाएगा। अर्थ का फील्ड अगर स्टडी करना है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके आसपास उनका फील्ड नेग्लिजिबल होना चाहिए, वो अपने फील्ड को बीच में ना लगाएं, तभी बात बनेगी। तो यानी कि जो अर्थ के मुकाबले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो फील्ड है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत 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 छोटा हो। बिल्कुल वैसी अगर एक चार्ज बॉडी है बहुत बड़ी और उसका फील्ड की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो ये ना हो कि इसके मुकाबले यहां पर एक ऐसा चार्ज आ जाए जो इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना शुरू कर दे कि इसका फील्ड ही हो सकता है कैंसिल होना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं किसका फील्ड स्टडी करूंगा, इसका करूंगा कि इसका करूंगा, मुझे स्टडी इसका करना है। तो उसके लिए एक तरीका अपनाया गया कि अगर आपको इस बॉडी का फील्ड ई यहां निकालना है तो एज्यूम करो दिस चार्ज शुड बी वेरी 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 स्मॉल। ठीक, कितना छोटा, इसको लिखा जाता है इसकी जो लिमिट है क्यू नॉट की इज अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होता इसका मतलब, अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब दिस इज वेरी 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 स्मॉल एंड इज अ पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल जो अपना फील्ड नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? वैसे तो लगाता होगा पर हम नहीं लेंगे क्योंकि हम किसका फील्ड स्टडी करना चाहते हैं, इस एक्चुअल बॉडी का। पॉइंट समझ में आया इसको कैसे लिखना है? कोई डाउट इसमें? बंदा क्लियर है? ठीक, तो इसको करके देखते हैं। तो मैंने लिख दिया कि मीन्स क्यू नॉट इज अ पॉइंट चार्ज एंड क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई वेक्टर। इसके यूनिट क्या होंगे? ई के फोर्स अपॉन चार्ज के न्यूटन पर कूलम। ये भी क्लियर है? तो इसके अंदर जैसे सपोज करो एक चार्ज है क्यू, आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज है, मुझे कहां ई निकालना है? यहां पे ई निकालना है। ठीक, मुझे यहां पे ई निकालना है। किसकी वजह से ई निकलेगा? क्यू की वजह से निकालना चाहता हूं। तो मैं इमेजिन करूंगा क्यू के मुकाबले क्यू नॉट की वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल। ये तो अजम्पशन है क्योंकि देखने में नहीं मालूम पड़ रहा क्यू और क्यू नॉट कैसे लगते हैं, बट ये अपने मन में आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यू नॉट के मुकाबले क्यू का चार्ज बहुत बड़ा है और ये एक बहुत छोटा चार्ज है जो ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रूल क्या है, यहां अगर ई निकालना है इस पॉइंट पे तो इनकी फोर्स निकाल लें और जिस पॉइंट पे ई निकालना है वहां जितना भी चार्ज है, मान लो क्यू नॉट चार्ज है, उससे डिवाइड कर दें। कर दिया डिवाइड, जहां ई निकालना है वहां के चार्ज से डिवाइड करना है, इसको मत कर देना। तो एफ बाई क्यू नॉट, एफ की वैल्यू इज 1/4πε0 क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई की, ई के फॉर्मूले में क्यू तो कॉन्ट्रीब्यूट करे क्योंकि क्यू ही तो ई लगा रहा है, पर क्यू नॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ई निकालने का तरीका समझ में आया। तो फोर्स के अंदर दो चार्ज आते हैं, ई के अंदर सिर्फ वही चार्ज आता है जो ई में, ई की वैल्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है यहां तक? अब इसका एक मेथड टू है। उससे पहले क्यू नॉट को हम एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब जो हम लेते तो हैं लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूले में वो कैंसिल हो जाता है एंड वो ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। इमेजिनरी चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सो ई वेक्टर इज ड्यू टू चार्ज क्यू, क्यू की वजह से ई है, क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये भी क्लियर है यहां तक? तो मेथड टू, जब हमें मालूम है कि क्यू नॉट को कैंसिल होना ही है तो मेथड टू है हम उसको ले क्यों। हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की जगह टेस्ट चार्ज प्लस वन लेना शुरू कर दो और इमेजिन करो कि यहां पर क्यू नॉट नहीं है, यहां पर प्लस वन पड़ा हुआ है और सिंपली बताओ कि ये क्यू चार्ज इस पे फोर्स क्या लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, बस सीधा ही आंसर आ गया। तो इससे एक स्टेप बचता है
कि पहले क्यू नॉट लो, क्यू नॉट से डिवाइड करो, इससे बेटर है क्यू नॉट लो ही मत, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन ले लो, काम ही खत्म है और सीधा आंसर आ गया। तो डेफिनेशन ये भी लिखी होती है, ई इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये लिखी होती है। एंड ई की जो डायरेक्शन है इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफ, क्योंकि ई किसका बना हुआ है, फोर्स बाय चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ई भी होगा। बोलो, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट प्लस वन लेते हैं, अगर माइनस वन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, माइनस वन हाँ आंसर सेम आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाएगा, अदरवाइज कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट जिसने डेफिनेशन बनाई है स्टैंडर्ड प्लस वन लेने को कहा है, लिया होगा उसने, पर उसने बाय डिफॉल्ट एक चीज वाइज तो करनी थी, तो बुक सारी प्लस वन लेके चलती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे फोर्स में चलता है वैसे ही ई में भी चलता है, मजे की बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सेम ही चलता है। देखो कैसे, मान लो ये चार्ज 5 कूलम है, 1 मीटर दूर आपको ई निकालना है, बहुत आसान है फॉर्मूला, बोलो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां ई निकालना है वहां इमेजिन करो प्लस वन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 / 1 स्क्वायर, खत्म। और अगर मैं पूछूं ई की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल, तो डायरेक्शन कहां होगी, राइट की तरफ होगी, वही सेम फोर्स वाला रूल है। फिर जैसे सपोज करो -3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज से 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। अब जहां ई निकालना है वहां चार्ज इमेजिन करो प्लस वन, तो -3 + 1 को अब अट्रैक्ट करेगा, तो ई की डायरेक्शन भी अट्रैक्शन की तरफ चली जाएगी, वो तो सेम फोर्स वाला रूल है। तो इसमें जब ई निकालना है, जैसे फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ई के अंदर भी माइनस साइन सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्शन ही शो कर रहा है, ई के न्यूमेरिकल में भी सिर्फ क्या लेना है, मॉड लेना है, तो ई का कंट्रीब्यूशन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/1 स्क्वायर, माइनस सिर्फ ये शो कर रहे हैं, अगर ये प्लस होता चार्ज तो रिपल्शन हो जाती, माइनस है तो अट्रैक्शन है, बस इतना शो कर रहे हैं। तो जैसे फोर्स के किसी न्यूमेरिकल में हमने मैग्नीट्यूड लिया, ई के न्यूमेरिकल के अंदर भी हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, आसान है, उल्टा आसान ही हो गया, ठीक। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, जैसे 8 और 4 कूलम का चार्ज है, और सपोज करो 1 और 3 मीटर पे है, आपको यहां पे ई निकालना है, रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है वहां इमेजिनरी चार्ज क्या पुट करना है, प्लस 1, कर लिया। अब इस पॉइंट पर ये भी ई लगाएगा, इस पॉइंट पर ये भी ई लगाएगा, सुपरपोजिशन यही तो होता है, जैसे अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पर दोनों फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही इस पॉइंट पर दोनों ई लगाएंगे, तो ई का रूल वही फोर्स वाला है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ऑब्वियसली इसका ई में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 / 8/1 का स्क्वायर इस तरफ, और सिमिलरली ये 4 कूलम इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका ई का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 का स्क्वायर, ये तो फोर्स की तरह ही हो गया, बोल तो रहा हूं एफर्ट कहां लग रहा है इसमें, फोर्स के न्यूमेरिकली तो चल रहे हैं सेम, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ई आ गया दोनों की वजह से, पर याद रखना ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिना वेक्टर के ई का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, जैसे बिना वेक्टर के कोई भी फोर्स सॉल्व नहीं होती, ई भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे इसमें, तो अब इनमें से कौन बड़ा, 8 बड़ा फोर्स है, तो ऑब्वियसली नेट वैल्यू क्या होगी ई की, यहां पर E1 - E2, माइनस कर लेना, माइनस करके वैल्यू निकालना, यूनिट्स न्यूटन नहीं रखना, ई के यूनिट न्यूटन पर कूलम रखना, और किस तरफ अलोंग Q2, बड़े वाले चार्ज की तरफ वेक्टर बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल वैसे ही अगर ये -3 कूलम चार्ज है, ये +5 कूलम चार्ज है, और मुझे यहां ई निकालना है, रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है चार्ज कितना, प्लस 1, अब -3 और 5 दोनों ई लगाएंगे, -3 + 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसका ई का कंट्रीब्यूशन इस तरफ होगा, कितना मैग्नीट्यूड बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/1 का स्क्वायर इस तरफ, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल इस तरफ, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/7 का स्क्वायर इसी तरफ, तो दोनों फोर्स के सेम रूल है, फोर्स कैलकुलेट करने को कहता तो भी इस तरफ, ई कैलकुलेट करने को कहूंगा तो भी इस तरफ।